24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज 24 के विशेष सेगमेंट रूबरू में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको मिलवाते हैं शहर के लीडर्स, सोशल वर्कर्स और अधिकारियों से। तो आज के हमारे विशेष मेहमान हैं। नमस्कार ग्वालियर, आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं RSS के स्वयंसेवक महेंद्र सिंह यादव जी से। महेंद्र सिंह यादव जी ने अपना जो करियर है वो RSS के संघ के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था और आज नई ऊंचाइयों पर हैं। वो इस समय वर्तमान राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। तो आइए जानते हैं महेंद्र सिंह यादव जी से कि उनका करियर कैसा रहा और कितना संघर्ष किया उन्होंने यहाँ तक आने के लिए। यादव जी, आप बताएं कि आपने एक अपना राजनीतिक करियर है जो एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में आरंभ किया था, उसके बाद किसान मोर्चा में रहे, उसके बाद आज एक बहुत ही अच्छे पद पर आप BJP में हैं, तो ये संघर्ष कैसा रहा, इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं मूलतः स्वयं सेवक था और स्वयं सेवक चूँकि होने के नाते मैं संघ के माध्यम से संपर्क में आया और 85 में मैं जब संघ में हमारे गांव मोहनपुर में शाखा लगती थी उस शाखा में मैं निमित जाता था और शाखा के माध्यम से मैंने फिर जो है संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 24 का पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और वहाँ जब मोहनपुर गांव हमारा नगर निगम में सम्मिलित हो गया था और 87 में चुनाव हुए थे तो उसके बाद मैं वहाँ से शोध प्रारंभ करते हुए भारतीय जनता पार्टी में मंडल में कोषाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे में जिले में मंत्री रहा। उसके बाद मैं लगातार लंबे समय तक काम करते करते फिर मुझे संघ ने दायित्व दिया कि आप किसान संघ में काम करो, तो मैंने किसान संघ में जाकर के किसान संघ में जिला मंत्री का दायित्व मिला और फिर मैंने किसानों की समस्याओं को लेकर के जन जागरण का अभियान चलाया। एक समय था, अगर आप लोगों के माध्यम से पुराने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, किसानों को बताना चाहता हूँ, जहाँ मुरार की कृषि उपज मंडी हुआ करती थी वो मुरार में बीचों बीच बाज़ार में लगती थी। ये स्थिति रहती थी कि वहाँ किसानों का जो गल्ला आता था, जो अनाज आता था, वो कहीं किसी किसी गलियों में तोला करते थे, उसके साथ किसानों के साथ बड़ा छल होता था, कपट होता था और 55-55 किलो के बांट पकड़े गए थे। उस समय हमने एक ग्राम बंद आंदोलन किया था और वो आंदोलन बड़ा सफल हुआ था। जब ग्राम बंद आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन की लोगों में बड़े बड़े समाचार पत्रों ने उसमें संपादकीय लिखी और वो 3 दिन का हमने जो ग्राम बंद आंदोलन किया था तो आप कल्पना करिएगा कि उस समय ग्रामीण में मतलब 1,000 ट्रॉली या सरसों की आती थी, गेहूँ की आती थी, वो 3 दिन के अंदर एक भी ट्रॉली नहीं आई। गांव से दूध किसान दूध नहीं लाए, सब्जी नहीं लाए और इस प्रकार से पूरा शहर सन्नाटा रह गया। उस समय प्रभात कलेक्टर थे तो उन्होंने आकर के मुझे गांव में कहा कि भाई तुमने इतना सफल आंदोलन किया, गांव बनता की मांगे क्या है। तो उस समय हमने कहा कि ये कृषि उपज मंडी जो है मुरार में लगती है, इस मंडी को हम चाहते हैं कि खुले में ले जाया जाए। तो उस समय प्रस्ताव उन्होंने एक घोरावली का प्रस्ताव दिया था हमने और एक उधर गोले के मंदिर का प्रस्ताव दिया था। उसी आंदोलन के तहत उस मंडी का निर्माण हुआ और आज किसानों को जहाँ खुले में अनाज बेच करके किसानों के साथ छल कपट ना हो, इसलिए फिर मैं लगातार किसान संघ के माध्यम से अपने प्रदेश भर में आंदोलन किए और आंदोलन करके किसानों को जनजागरण किया। कांग्रेस की सरकार थी। आपने जो मुरार मंडी के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया और आज वो नारायण विहार में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, आप इतने किसान प्रिय नेता होने के बावजूद भी तत्कालीन जो निर्णयकर्ता रहे सरकारों में उन्होंने आपको क्यों नहीं किसी संवैधानिक पद के लिए टिकट का आवंटन किया, क्या कारण रहे वो? जब मैं उस समय जब ये आंदोलन हुआ और उसके बाद किसान संघ में काम खड़ा हुआ, किसान संघ के काम खड़ा होने के कारण ही मैं मुझे जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार 4 में सरकार बनी 3 में तब मुझे बीज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। और जब मैं बीज विकास निगम का अध्यक्ष था तो उस अध्यक्ष कार्यकाल में मैंने पूरे मध्य प्रदेश में 53 फार्म्स थे कृषि विभाग के, उन फार्मों को ठीक करने का काम किया और उनकी जो घाटे में चल रहा था, एक समय था जब मैं उस बीज निगम में पहुंचा था तो कर्मचारियों की तनख्वाह देने की स्थिति नहीं थी, उसको हम ठीक करने के बाद उनको हमने फार्मों पर उत्पादन बढ़ाने का काम किया और जो फार्मों पर अव्यवस्थित काम होता था उसको व्यवस्थित करने का काम किया। चूँकि मैं खुद किसान था, किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कब
प्लाऊ चलाया जाता है और कब हैरो चलाया जाता है और कब कल्टीवेटर चलाया जाता है, तो ये सब बातें जो हमने बारीकी से पकड़ना प्रारंभ की तो उसमें जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम हमने जब किया तो वो बीज निगम फायदे में आया। और उसके तहत मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, और चूंकि वो समय उमा जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई थी और उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, उनकी पार्टी के कारण मैं कुछ मतों से पराजित हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैं भारतीय जनता, चूंकि मैं स्वयंसेवक हूँ इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी विचार को लेकर के काम कर रहा हूँ। और लंबे समय मुझे जो जो संगठन ने जब जब जो जो जिम्मेवारी दी, मुझे संगठन ने गुना जिले का प्रभार का दायित्व दिया, गुना का प्रभारी बनाया, मुझे भंडर विधानसभा का प्रभारी बनाया, आज मैं भोपाल जिले का महानगर का प्रभारी हूँ और संगठन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर आपको जहाँ जहाँ का प्रभारी बनाया वहाँ के प्रत्याशी को आपने जीत दिलाई, गुना को तो एक अप्रत्याशित जीत दिलाई आपने, जो कि मतलब जिनका गढ़ समझा जाता था उनको, हालांकि वो आज आपकी पार्टी में ही है, तो उनको शिकस्त दिलवाई आपने, तो उसके बावजूद भी फिर आपका नाम आगे क्यों नहीं चलाया पार्टी ने? नहीं, पार्टी कहीं ना कहीं अपने विचार करती है, और आज मैं महानगर जैसे राजधानी का प्रभारी होने के नाते मैं संगठन में काम तो कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, और मुझे इस बात की कतई वो नहीं है कि उन्होंने पार्टी ने जो जिम्मेवारी देना चाहिए, हो सकता है पार्टी विचार कर रही होगी, तमाम सारी परिस्थितियाँ रहती हैं संगठन में, लेकिन मुझे कहीं भी मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मुझे कभी भी पार्टी ने खाली बैठने नहीं दिया, मुझे चाहे उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया, मुझे बिहार का प्रभार दिया चुनाव के समय, तो असम का भी, मैं असम में भी चुनाव प्रचार में रहा, हर जगह पार्टी ने मेरा उपयोग किया, और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और उसने मेरा जहाँ जहाँ उपयोग किया वहाँ मुझे उसमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और अभी मैं महानगर भोपाल का प्रभारी हूँ, उस नाते मैं काम कर रहा हूँ। ये तो हो गया एक आपका जो अभी तक का संघर्ष रहा उसके बारे में। आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि वर्तमान जो राजनीति है उस वर्तमान राजनीति में, और जब आप इस राजनीति से जुड़े थे, कितना अंतर आया है, क्या राजनीति में नैतिक मूल्यों का कहीं कुछ पतन हो रहा है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो क्यों पड़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए क्या है कि अब राजनीति में क्या होता है कि जैसे जैसे कार्यकर्ताओं का परिवार बढ़ता है, पहले कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी और हमारे यहाँ पहले वरिष्ठ लोग, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता रहते थे उनको पूछ लिया करते थे, अगर वो नहीं दिखते थे तो उनको फ़ोन लगा लिया करते थे कि भाई कहाँ हो, कैसे हो, और आज चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं तो इसलिए उनको समय ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं जो जिनको चिंता करना चाहिए उनके पास जिम्मेवारी भी बहुत है, तो तमाम सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आज हम जो है निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ जो बातें हैं, ये बात सही है कि आज की राजनीति में और पुरानी राजनीति में बहुत अंतर है, आज हमको हाईटेक के ज़माने से चलने की आवश्यकता है, तो उसके तहत आज ये अगर हम कहें कि नहीं साहब अब तो पार्टी बदल गई है, डिजिटल हो गया है, डिजिटल के माध्यम जो समय चल रहा है, जिस समय के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, और समय के हिसाब से आज आप सोशल मीडिया पर, लोग एक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर देता है, हमारे पास शाम को जो कोई घटना होती है, कोई खबर होती है, वो रात भर की खबर सवेरे हमको पेपर में पढ़ने को मिलती है, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो घटना एक घंटे के अंदर हुई है वो पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है। तो आज इस बात को हमको सतर्क रहना पड़ेगा, और आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमको जागरूक होने की आवश्यकता है, अगर कहीं सूचना नहीं आई या कोई वो नहीं आई तो आज व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमको जो अच्छा लगता है वो हमको करना चाहिए। बात सोशल मीडिया की चली है तो सोशल मीडिया के कारण अभी देश में दो बड़ी घटनाएं जागर हुई, या यूं कह लो कि उनको सोशल मीडिया की वजह से जो बवंडर आया, एक घटना आपकी मेवात की, दूसरी घटना मणिपुर की, जबकि मणिपुर की जिस घटना में सोशल मीडिया का योगदान रहा वो 2 महीने पुरानी घटना थी, 2-2.5 महीने, उसके बावजूद भी उस घटना को लेकर संसद नहीं चलने देना विपक्ष के द्वारा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, विपक्ष तो संसद जो घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं और उस पर एक्शन भी हुआ, उस पर सरकार काम भी कर रही है, लेकिन उस घटना के कारण संसद ना चलने देना ये तो कहीं की उचित बात नहीं है, क्योंकि संसद को, संसद में आप विषय रखिए, संसद में बात रखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना,
आपने माननीय अमित शाह जी को सुना, आपने हमारे सारे मंत्री माननीय सिंधिया जी को सुना, सभी लोगों ने, आदरणीय हमारी वित्त मंत्री जी ने, हर सारे मंत्रियों ने अपने हर क्षेत्र में विषय रखा और उन्होंने विपक्ष को कहा भी कि भाई विपक्ष सुने, बात करें, खड़े होकर के बात करें, लेकिन हल्ला मचाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। और इसलिए ये क्या है कि कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी जाना ये भी ठीक नहीं है। इसके लिए चूंकि अब वो कानून है तो उस कानून के दायरे में जिनकी शिकायतें हो सकती हैं, जहाँ FIR होती है वो होती है, लेकिन भ्रम न फैलाया जाए। और सोशल मीडिया अच्छी भी है और अच्छे के लिए इसलिए कि जल्दी से एक समाचार चला जाता है, लेकिन गलत समाचार ना जाए इसके लिए ये तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि हम अच्छे समाचारों का इसमें प्रसारण करें। निश्चित तौर से सोशल मीडिया का या किसी भी न्यूज़ एजेंसी का या न्यूज़ चैनल्स का एक अपना दायरा है, दायित्व है, और उस दायित्व के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता हैं जो आप यूँ कहें कि स्वार्थ पूर्ति के लिए कहें तो गलत नहीं होगा, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो विषय हैं, सेंसेटिव विषय हैं, उनको लेकर के राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं और फिर उसके ऊपर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, संसद नहीं चलती है, हो हल्ला मचता है, बहिष्कार करना, तो इससे कहीं ना कहीं शासन के, जनता के पैसे का जो दुरुपयोग होता है, क्योंकि संसद का तो समय बर्बाद हो रहा है, जब बर्बाद हो रहा है तो करोड़ों रुपया भी बर्बाद होता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे आम जन को, जिनको कि जिन्हें कि वो जो नेता हैं जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं संसद में, आम पब्लिक चुन के भेजती है, तो आम पब्लिक को क्या स्टेप लेना चाहिए ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए? देखिए, जनता सब जान रही है, सब देख रही है, आने वाले समय में 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता उसका उत्तर देगी। जनता ये सब जान रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उन विकास कार्यों को जनता अच्छी तरह से समझ रही है। ये वही जनता है जब 2000 में दिग्विजय सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और 10 साल में उन्होंने अगर एक आध मेडिकल कॉलेज खोला हो तो बता दें, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय 5 मेडिकल हुआ करते थे, आज 25 मेडिकल कॉलेज खुले हैं इस मध्य प्रदेश में। तो विकास, आज विद्यार्थी हमारे जो है डॉक्टर बन करके जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, और शिक्षा के क्षेत्र में आज विकास के मामले की लाडली बहना की बात करें, हम रेलवे की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, हम योजना की बात करें, हम संबल योजना की बात करें, आप हर क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके तहत माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने निश्चित तौर पर जन हितैषी कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर विश्वास जताया है और उन्होंने भरोसा भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी विकास को ही कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी देश को केवल ऊंचा ले जाने के काम ही नहीं कर रहे, बल्कि देश को एक सम्मान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से। देश को एकजुट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से कुछ ना कुछ निरंतर करते रहते हैं। इसी में एक चल रहा है, क्या बोलते हैं आपका, हर घर तिरंगा वाली जो चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो है, अब हम 75वें आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, और उसके तहत आज पूरे देश में, हर देश में ये माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। हमने पिछली बार 2 साल तो हमने कोरोना के कार्यकाल में ये उत्सव नहीं मनाया, लेकिन अब पिछले साल जी उत्सव मनाया गया था, इस साल भी आज से तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम सभी जगह, हर सामाजिक संगठन, हर राजनीतिक दल और हर ऐसे संगठन जो पूरे देश के लोग आज राष्ट्र के प्रति जागरूक हो रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के अपने घरों पर झंडा फहराने का काम कर रहे हैं, गौरव से कह रहे हैं कि हम भारतीय, भारत में हैं और भारत मध्य प्रदेश में हैं, और हमारे स्वतंत्रता दिवस पर
हम भी उसका उत्सव मना रहे हैं। इस प्रकार से तमाम सारे आयोजन पूरे प्रदेश में, जिले में, मध्य प्रदेश में, देश भर में आयोजन का कार्यक्रम चल रहा है। महेंद्र सिंह जी, आपने ग्वालियर के दर्शकों के लिए अपना, अपने जीवन के बारे में खुलकर बताया, अपने कार्यों के बारे में खुलकर बताया और देश को एक मैसेज दिया। इसके लिए जी News 24 यानी कि ग्वालियर News 24 आपका दिल से आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के रूबरू में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।